नमस्कार, आप सुन रहे हैं नौ रूप नौ दिन नौ कथाएं अशोक हमराही के साथ। नवरात्र माँ भगवती की उपासना और उत्सव मनाने का त्योहार है। नवरात्र के नौ दिन माँ दुर्गा के नौ रूपों की आराधना होती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पांचवें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि, आठवें दिन माँ महागौरी और नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नव दुर्गा का तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा का है। देवी चंद्रघंटा सभी प्रकार की अनूठी वस्तुओं को देने वाली और दिव्य ध्वनियों को प्रसारित और नियंत्रित करने वाली हैं। माँ चंद्रघंटा दैत्यों का वध करके देव दनुज मनुजों के हितों की रक्षा करने वाली हैं। उनके घंटा में आलादकारी चंद्रमा स्थित है, जो देखने में अर्ध चंद्र जैसा है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा गया। नवरात्र की तीसरी तिथि को नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है और देवी के इस रूप की कथा सुनी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता भगवती ने प्रजापति दक्ष के तप से प्रसन्न होकर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। एक बार प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होने पर माता सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। बाद में माता सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। एक बार देवर्षि नारद घूमते हुए राजा हिमवान के यहाँ पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया। राजा हिमवान ने देवर्षि नारद से अपनी पुत्री के शुभ लक्षण और भविष्य बताने का आग्रह किया। तब देवर्षि नारद ने जगदम्बा को पहचान कर कहा, हे राजन, आपकी पुत्री सभी शुभ लक्षणों से युक्त हैं। इसे पति के रूप में भगवान शिव प्राप्त होंगे, लेकिन इसके लिए कठिन तपस्या करनी होगी। देवर्षि नारद जी की भविष्यवाणी सुनकर देवी पार्वती ने कठिन तपस्या की। उनके घोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। विवाह के लिए शिव जी की बारात सजने लगी। देवताओं के साथ भूत प्रेत बेताल सन्यासी भी बारात में शामिल हो गए। वर के रूप में स्वयं शिव जी ने अत्यंत भयंकर वेश धारण किया। बारात जब राजा हिमवान के द्वार पर पहुंची तो रानी मैनावती अपने जामाता का विकराल रूप देखकर बेहोश हो गई। माता पार्वती ने जब अपने घर वालों को भय से त्रस्त देखा तो वो चंद्रघंटा का रूप धारण कर भगवान शिव के समक्ष पहुंची और शिव जी से सौम्य वेश में आने को कहा। शिव जी ने माता की बात मानकर राजकुमार जैसा वेश बनाया। इस प्रकार माता चंद्रघंटा ने अपनी माँ और समस्त परिवार को भय मुक्त किया और तब शिव जी और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शिव महापुराण में देवी चंद्रघंटा को माता पार्वती का विवाहित रूप बताया गया है। भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के बाद भगवान महादेव ने देवी को चंद्रमा से सजाया था, इसीलिए वो चंद्रघंटा के रूप में लोकप्रिय हुई। नवरात्र के तीसरे दिन देवी माँ के तीसरे स्वरूप भगवती चंद्रघंटा की आराधना करने और कथा सुनने से समस्त कष्टों का निवारण होता है और परम सुख की प्राप्ति होती है। दिव्य ध्वनियों से सुशोभित दिव्य स्वरूपा, दिव्य स्वर में सौम्यता,
अद्भुत है माँ चंद्रघंटा। ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। अगर नौ रूप नौ दिन नौ कथाएं सीरीज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव यानी सजेशंस के लिए इंस्टाग्राम पर आकर हमें टैग करना और बताना ना भूलें @ashokhamrahi।